देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की प्यास कितनी बड़ी है इसका नज़ारा मिलता है जगतपुरी के इस इलाके में जहां इस वक्त हम मौजूद है। आप यहां देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहां के इस प्याऊ से पानी भर रहे हैं। इनका घर यहां से काफ़ी दूर है और ये बच्चे इस तरीके के बर्तन लेकर, इस तरीके की कैन लेकर यहाँ पर रोज़ाना पानी भरने आते हैं। दरअसल आप ये तमाम जो बच्चे देखेंगे, ये बच्चा भी पानी लेने आया हुआ है, ये बच्चा भी पानी लेने आया हुआ है, ये तमाम जो बच्चे हैं पानी लेने आए हुए हैं। इधर ये भाई साहब है, देखिए ये भी अपना डब्बा लेके आए हैं और ये भी यहाँ से पानी लेने आए हुए हैं। ये भी बता रहे हैं कि ये यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं लेकिन पानी इनको यहीं पर मिलता है। इस बच्चे से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ से आए हो पानी भरने? जगत 51। यहाँ से कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है जाने में? 5 मिनट। 5 मिनट लगता है। अभी तक कितने चक्कर लगा लिए पानी के लिए? 10। एक चक्कर। एक चक्कर लगाया है? यस। दिन में कितने चक्कर लगाते हो? दिन में नहीं लगाता। हाँ, अब कितने चक्कर लगाते हो पूरे? एक चक्कर लगाता हूँ और 10 कभी कभी। कभी कभी 10 चक्कर भी लगाते हो? अब गर्मी में तो ज़्यादा चक्कर लगाने होते होंगे। यस। 10। कितने बजे तक भरोगे अब पानी? अब नहीं भरूंगा। अब नहीं भरोगे, फिर कब आओगे अब दोबारा? अब दोबारा दिन को। दिन को? दिन को। तो यहाँ से पानी क्यों भरते हो? तुम्हारे घर पे पानी नहीं आता? नो। नहीं आता? गंदा पानी, साफ पानी, कैसा भी पानी नहीं आता? कब से नहीं आ रहा है पानी? पता नहीं। अच्छा, कभी कभी आया ही नहीं आपके इधर पानी? घर में पानी नहीं आया कभी? ये बच्चे भी पानी भरने आया। आप भी ऐसे बोल लोगे, इसकी तरह बताओगे आप कहाँ से आए हो? मैं बड़ी मस्जिद से आया हूँ जगतपुरी। मेरे घर पे पानी की बहुत कमी होती है और पानी कभी आता नहीं है। अभी दोपहर में आना पड़ता है यहाँ पे पानी भरने के लिए। 2-3 चक्कर लगा लेते हैं फिर घर चले आते हैं, फिर कल आते हैं। 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं? हाँ। अच्छा, और आपकी छुट्टी चल रही है तो इसलिए स्कूल नहीं जाते होगे। जब स्कूल खुलते होगे तब क्या करते हैं आप? तब ना दोपहर में पानी भरने आते हैं हम। यहाँ पानी भरने आते हैं, यहाँ से 1-2 चक्कर लगा के सीधा घर चले जाते हैं। मतलब स्कूल जब खुल जाते हैं तो छुट्टी, स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तब आते हैं पानी भरने? तब आते हैं। हाँ जी, पानी भरने। तो आपके घर में कभी पानी नहीं आया? कभी पानी नहीं आया हमारे घर पे। जहाँ आपका पूरा जहाँ रहते हैं वहाँ किसी घर में पानी नहीं है? नहीं, किसी वहाँ पे थोड़े बहुत घर में है, ये नहीं पता मेरे घर पे, लेकिन पानी नहीं आता। अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में मेरे पापा और मैं और मेरा भाई तो गांव गया हुआ है। हाँ। और मेरी मम्मी भी गांव गई हुई है। अच्छा। हाँ। तो जब स्कूल खुल जाते होगे तब मम्मी आती होगी पानी भरने या बड़े आते हैं या आप ही आते हो तब भी? मैं ही अकेला आता हूँ पानी भरने। आप ही की ड्यूटी लगती है? ठीक है, तो सुन लीजिए, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि दिल्ली में भरपूर पानी है, ये बच्चे इस तरीके से पानी की ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों को यहाँ 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने घर से यहाँ से पानी ले जाने के लिए। इस तरीके के बर्तन कैन लेकर ये बच्चे आते हैं। कुछ और लोगों से आप ये बच्चे तो कह रहे हैं कि घर पे कभी पानी नहीं आया है, आपके यहाँ भी ऐसा है? तो पानी तो वैसे तो कभी कभार आता है लेकिन थोड़ा गंदा आता है, ज़्यादा साफ नहीं आता। फिर भी हम लोग यहाँ से भरने आते हैं, कम से कम 3 या 4, 5, 6 बार करीब आते हैं पानी भरने रोज़। लेकिन क्या करें, अब इतनी मजबूरी में आना तो पड़ता है, ये पानी के होता नहीं है तो क्या करेगा बंदा, प्यास कहाँ से बुझाएगा अपनी। कितने दिनों से परेशानी है? मुझे 20-25 दिन हो गए ऐसा। हाँ। तब से पानी रोज भरने आते हैं, गंदा पानी आता है, साफ नहीं आता। आप कहाँ रहते हैं? ये जगतपुरी में रहते हैं। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ये जी ब्लॉक। हाँ जी, तो पूरे जी ब्लॉक में यही परेशानी है? नहीं, ज़्यादातर तो देखा जाए तो जी ब्लॉक में ज़्यादातर यही परेशानी है, लेकिन कुछ इलाकों में अगर आए वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे इलाके में ज़्यादातर परेशानी पानी की। जल बोर्ड में शिकायत की कोई, किसी नेता को शिकायत की? कई बार शिकायत करी थी लोगों ने, कंप्लेंट भी लिखी लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। कई बार लोगों ने जाके 4-5 बंदे जाके जाते थे वो लिखवाने के लिए कंप्लेंट, लेकिन सुनवाई नहीं होती, तो वही पानी का असर वही ऐसे ही रहा। ऐसी हर वक्त भीड़ लगी रहती है? नहीं, वैसे कभी कभी सुबह कम होती है लेकिन उसके बाद दोपहर को बहुत लंबी लगी रहती है भीड़। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पानी? दूर दूर से आते हैं, कोई तो इधर से आता है कड़कड़ी मोड़ से, कई विक्रम सिंह कॉलोनी से आता है, कई कई जगह से पानी भरने आते हैं लोग। मतलब कड़कड़ी मोड़ तो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पीछे है ना? पीछे है। हाँ जी, वो इतनी देर आते हैं, भर के आते हैं लोग। गाँव है ना, वहाँ से भी पानी नहीं आता, लोग यहाँ पर आते हैं। देश की राजधानी में जनता किस तरीके से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है ये पता चलता है जगतपुरी के इस इलाके में आकर। इस प्याऊ से पानी भरने के लिए लोग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी नापकर यहाँ पानी भरने आते हैं। अक्सर ऐसा नज़ारा आपको
दूर दराज के गाँव के इलाकों में मिलेगा कि लोग कहीं दूर पानी भरने जाते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जहां लोग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी नापकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।